हेलो एवरीवन, टुडेज कैंपस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रिवाइज योर सेल्फ का सेकेंड टेस्ट है, ठीक है, सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। आई होप कि आपको जो मैंने फर्स्ट वीडियो आपको जनरल नॉलेज का आपको प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड कराया था, आपको उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। तो उसी के देखते हुए मैंने आपको ये सेकेंड वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे को भी बेनिफिट हो। किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने। यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लो आप। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत किस गोलार्ध में स्थित होगा? तो जो हमारा भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। एक बार और अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की अवधि कितनी है? ये अवधि कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में जो है कितने वर्षों पर जनगणना की जाती है? तो भारत में जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है, ठीक है। अगला है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखो फ्रेंड्स, हमारे जो है इस टाइम में लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश के हो चुकी है, ठीक है ना। कितने? 130 करोड़ की, ठीक है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो वर्तमान समय में जो भारत की सबसे अगर कोई बड़ी जनजाति है तो वह भील जनजाति है। कौन जनजाति? भील जनजाति, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप कृपया इसको याद रखेंगे, एक दो बार देखते जाएंगे वीडियो, रिमेंबर हो जाएगा आपको। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का, क्या बोला है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है? मतलब पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्याएं हैं उस जनसंख्या का कितना प्रतिशत सिर्फ भारत में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.5%। कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17.5%। ये पूरे विश्व की जनसंख्या का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जो भारत है उसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन, आप देख लो यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? जो हमारा नेशनल लैंग्वेज है कौन है? हिंदी। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में दूसरी सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो दूसरा अगर पूछता तो आपको बांग्ला आ जाता। भारत में सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा बोला जाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन से बेटे फ्रेंड्स, कि आप जो है अगर आपको यहां पर यह पूछता है कि भाई बताइए कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है विश्व भर में, तो विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है तो वह भाषा है चाइनीज भाषा, सबसे ज्यादा बोली जाती है, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? अगर सिर्फ स्थल सीमा की आपसे पूछता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। सिर्फ हमारे देश के स्थल की जो है ना, चारों ओर को जो स्थलीय सीमा है, इसमें समुद्र को नहीं शामिल किया गया है, तो उसको जो है अगर सिर्फ देखा जाए स्थलीय सीमा की, तो इसकी जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द्वीपों सहित, मतलब जो द्वीप हैं और जो स्थल है, द्वीपों सहित भारत के कुल, सॉरी स्थल की नहीं बात किया है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? एक बार फिर से देखेंगे, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ जो समुद्र का तट है उसका भी और साथ में द्वीप का भी, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 7,516.6 किलोमीटर। अगला है, भारत की मुख्य भूमि, जो हमारा भारत की मुख्य भूमि है, से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? जो हमारा मेन भूमि है, मेन लैंड है, और जो समुद्र का तट है,
तो मेन लैंड जो हमारा है, भारत की जो मुख्य भूमि है, उस भूमि से और जो समुद्र का जो तट है उसकी लंबाई कितनी है। तो मुख्य भूमि से लगे, माने हमारी जो मुख्य भूमि है भारत की, उस मुख्य भूमि से लगे समुद्र के जो तट हैं उसकी लंबाई कितनी है। तो उसकी जो लंबाई है 6,100 किलोमीटर, अर्थात 6,100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन से, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक क्वेश्चन से यहीं पे बन गया कि जो भारत का मानक समय कौन है, तो भारत का मानक समय कौन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है, तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, देख रहे हैं ना, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी रेड क्लिप नहीं, डुरंड रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा बोलते हैं, डुरंड रेखा, माफ कीजिएगा थोड़े से दिखते हैं आगे आपको, यहाँ पे कौन सी रेखा हो जाएगा, डुरंड रेखा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की और मैं बात करूँ, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं अभी जो है, भारत में राज्यों की संख्या 28 है। कितनी है, 28 है। ठीक है, हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बोल रहा था कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो जो भारत में राज्यों की संख्या है वह कितनी है, 28 है। लेकिन अगर केंद्र शासित पूछेगा तो केंद्र शासित राज्य है 8, 7 नहीं 8 हो गए हैं, कितने हो गए हैं, 8। फिर अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एक मात्र केंद्र शासित राज्य कौन है। कह रहा है कि अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला कौन सा केंद्र शासित राज्य है, तो अफगानिस्तान के सीमा से सिर्फ एक ही केंद्र शासित राज्य लगता है और वह है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। कहने का मतलब, भारत की जो है समुद्र से अगर देखा जाए, समुद्र के तट, भारतीय समुद्र तटीय से, तो कितना दूर तक जल क्षेत्र सीमा है, तो ये सिर्फ है आपको 12 नॉटिकल मील तक, 12 समुद्री मील तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो एक फ्रेंड सबसे एक और क्वेश्चन से आपको यह हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको भेजना है कि कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है उसका नाम आपको जो है हमें आपको कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ। फिर है अगला क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन से कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये कब बनी थी, 1912 ईस्वी में। ठीक है, बांग्लादेश से, अगला क्वेश्चन से, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा राज्य कौन है। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला 20 नंबर क्वेश्चंस में है, आदम का पुल, तो आदम का पुल किसके मध्य स्थित है। तो आदम का जो पुल है वह है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, भारत के दक्षिणतम बिंदु, तो एक क्वेश्चन तो बन गया, दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है ना, तो भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVI में डालो तो मच बेटर होगा, क्योंकि यह जो दूरी है दक्षिणतम बिंदु से, जो भूमध्य रेखा की दूरी है वह है 876 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है ना, तो भारत की जो जनगणना है वह अनुच्छेद 246 में वर्णित है। फिर भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जनगणना जो है किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू की गई थी।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि कब की गई थी, तो यह 1872 ईस्वी में की। यहाँ पे दो क्वेश्चंस, एक पूछेगा कि विधिवत, तो विधिवत जो होगा वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होगा, लेकिन शुरुआत अगर सिर्फ बोलता है ना, शुरुआत अगर सिर्फ बोलता है तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कब हुआ था, 1872 ईस्वी में। अगला, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वह बांग्लादेश के साथ बनता है, ठीक है। अगला, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जलमरुमध्य अलग करता है, ठीक है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ नेपाल भी भारतीय उपमहाद्वीप में आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है और भूटान भी आ जाता है, लेकिन श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई। चलिए मैं पीछे ये वाला क्वेश्चन पहले भी करवा मैं बता रखा था आपको कि पहली बात यहाँ पे कि भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी नियमित, तो यह तो 1881 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी, तो यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। फिर है 3 बीघा कॉरिडोर, यहाँ पर देख लो 3 बीघा कॉरिडोर जो है किसको जोड़ता है, तो यह जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 29 में, भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात किया है, तो अक्षांशीय होता है एक देशांतरीय होता है, तो अक्षांशीय में कितना होता है, अक्षांशीय में होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यह देशांतरीय बोलता तो देशांतरीय में होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता, ठीक है ना, अगर देशांतरीय की बात करता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, अक्षांशीय बात किया, तो अक्षांशीय कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, अक्षांशीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी, एक बार फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कब बनी थी, 1912 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। जनगणना किस अनुसूची का विषय है, तो जो जनगणना है यह है 7वीं अनुसूची में इसको वर्णित किया गया है, जनगणना किस अनुसूची का विषय है, तो 7वीं अनुसूची का विषय है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस मेरा है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, मैं पहले बता रखा हूँ इस चीज़ को जब मैं अक्षांशीय बता रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। अगला है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, तो जनगणना का जो सबसे महाविभाजक वर्ष माना जाता है वह 1911 को माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर मैं बढ़ता हूँ, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो कुल साक्षरता दर जो है भारत की वह इस समय 73% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। अगला है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन हम किस में करते हैं, डेमोग्राफी में करते हैं, किस में, डेमोग्राफी में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है, तो जो भारत की जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं भारत में, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में भारत में जो व्यक्तियों की संख्या है वह कितनी, 382 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है, तो भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वह कौन सा है, मैकमोहन रेखा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अगला है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है, तो भारत एवं पाकिस्तान की जो बीच की सीमा रेखा है वह कौन है, रेड क्लिफ, कौन है, रेड क्लिफ। अगला है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है, तो यह अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी, कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स कि अफगानिस्तान के साथ सीमा की जो सीमा बनती है भारत की वह कितने मीटर लंबी है, कितने किलोमीटर लंबी है। अगला है,
भारत का लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुष कितना है, मतलब 1,000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं, तो कितनी है 943 महिलाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन से एक समुद्री मील लगभग बराबर होते हैं, तो एक समुद्री मील कितने के बराबर होते हैं, तो एक समुद्री मील जो होता है 1.852, कितने होते हैं, एक समुद्री मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होते हैं। कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं, 1.5, जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा वीडियो था फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। ये आपको मैं पहले फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको अप्रोक्सीमेट जो है मैं 1300 से 1400 सेट कराऊंगा, इतना अगर आप अच्छे से सिर्फ आप देख लेते हो वीडियो को तो याद रखना आपको किसी भी कॉम्पिटिशन्स में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।